मोहम्मद हुसैन 1971 की पाक भारत जंग के दौरान शकरगढ़ सेक्टर पर दादे शुजात देते हुए 22 साल की उम्र में शहीद हुए। उन्होंने शहादत से पहले दुश्मन के 16 टैंक तबाह करवाए। सवार मोहम्मद हुसैन को उनकी बहादुरी और सरफरोशी के एजाज़ में निशान हैदर दिया गया। उन्हें ये इम्तियाज हासिल है कि वो निशान हैदर पाने वाले पहले फौजी सिपाही थे। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की याद को ताज़ा करने तहसील गुजर खान में वाके उनके गांव ढोक सवार मोहम्मद हुसैन पहुंचे ताकि उनकी शहादत के 37 साल बाद के हालात देख सकें। सवार मोहम्मद हुसैन के बेटे मुनव्वर मोहम्मद ने इस्तकबाल किया। शहीद के 91 साल वालिद रोज अली बिजली बंद होने की वजह से बरामदे में ही बैठे। जवान बेटे मोहम्मद हुसैन की शहादत के बाद जिंदगी कैसी गुजरी, नशेबो फराज तो आए होंगे, दुनिया ही बदल गई होगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक मामूली सी तालीम होते हुए मुझे अल्लाह ताला ने इतना सबर शुक्र अता किया कि मेरे 14 बेटे थे, 5 बच्चियां, 9 बच्चे, जो कोई 2 साल का, कोई 4 का, कोई 5 का, बाकी सब 12 फौत हो चुके थे। एक बेटा और एक बेटी। बेटा पढ़ने पाया, उसने मैट्रिक किया, बेटी जवान होगी, उसकी शादी की। वो शादी के बाद 8वें दिन बच्चे को जन्म देकर वो अल्लाह की प्यारी हो गई। बेटा लड़ाई लड़ रहा था, बैठक का इम्तहान देकर वो फौज में पर्ची हो गया। लड़ाई लड़ रहा था, उसके वहाँ अल्लाह ताला ने बच्चा अता किया। मैंने खत लिखा कि बेटे से भी अल्लाह ताला ने बच्चा अता किया, तो कहता आपको मुबारक हो, आप दुआ करें अल्लाह में फसल दे, दुश्मन के बिलमुकाबल हैं, अगर मुकदर हुई तो देख लेंगे, आपको मुबारक। तो बेटा देख नहीं सका तो वो शहीद हो गया। जब शहीद की खबर सुनी तो शहीद की वालदा सामने गांव में गई, उसको हाथ से पकड़ कर बंदे लाए। वो हाय बया करने लगी तो मैंने कहा नहीं, तुझे खुशकिस्मत है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें खुशखबरी दी है, शहीद जिंदा है, खाते हैं पीते हैं, तुम नहीं। उसकी दुनिया दिन दो समर के मुबारक हो बेटे, मुबारक हो। जब से मैंने सुना मैंने नारे लगाने शुरू कर दिए। प्यारे खो जाएं तो उनकी यादें तो हमेशा जिंदा रहती हैं। मोहम्मद हुसैन का बचपन कैसा था, शरारती थे या संजीदा? इतना जहीन बेटा कि हर जमात में अव्वल आया, कबड्डी का खिलाड़ी था, क्रिकेट खिलाड़ी था, जबान गो, अच्छी तबीयत में बोलने वाला। निशाने हैदर पाने वाले शहीद को बहुत से एजाजात, नकदी और ज़मीन भी मिलती है, आपको क्या क्या मिला और क्या नहीं मिल सका? वो ये था कि अपनी रात के लिए 3 रब्बे ज़मीन, फैमिली के लिए ज़मीन जो है वो 11 साल के बाद मिली। इसके अलावा सड़क, उसके अलावा अस्पताल, कॉलेज और बिजली, बिजली भी आ गई, ज़मीन भी मिल गई। कॉलेज अभी नहीं है यहाँ पर और अस्पताल उस तरह का नहीं है, भाई डिस्पेंसरी एक देवी बनी है,
और इसके अलावा फिर स्कूल जो है अभी तक वो स्टैंडर्ड है ही नहीं स्कूल का, जिस तरीके से शहीद की, वैसे भी अगर शहीद ना भी हो कहीं पे भी पाकिस्तान में स्कूल का, हमारे इलाकों में मैं आपको बता रहा हूँ इतने बुरे हालात हैं स्कूल के, और खास करके पिछले 8 सालों में प्राइमरी स्कूलों का इतनी बुरी बुरे हालात हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ये देवी स्कूल है वहाँ सिर्फ एक टीचर लगा है, गोरखा स्कूल है वहाँ 2 टीचर लगे हैं, और रोड जिस पे आप आए हैं अभी 6 सितंबर आ रही है, ये लोग सिर्फ भाई आएंगे ब्रिगेडियर साहब आएंगे या जनरल आएगा ये ऊपर पैचेस लगा रहे हैं, और ये महीने में टूट जाएगी। कौम की खातर शहीद होने वालों के रुतबे को तो हर कोई मानता है, खुद कुछ बम धमाकों में जान बाक होने वालों का रुतबा क्या है, क्या इनमें फर्क है? ये आराम की बात है, लेकिन अल्लाह से जान देने वाला खुदा बेहतर जानता है। आप निशाने हैदर पाने वाले शहीद के वालिद हैं, पाकिस्तान के हालात से पाकिस्तान की सियासत से कितने मुतमिन हैं? वो धंधे से नहीं हो सकते, खिलाफ से हो सकते, धंधे से लड़ना आप जानते हैं, लेकिन धंधा किसके साथ आप चला है? कुफर के साथ, मुसलमान के साथ चली। आम लोगों का उस वक्त क्या तासर होता है जब उन्हें इल्म होता है कि आप सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर के बेटे हैं? लोग बहुत खुश होते हैं और खुशी से मिलते हैं, वो जो जानने वाले हैं, लेकिन जो पड़ोसी लोग हैं उनका जलन है, बेटा शहीद हो गया, मेरा मुकाबला शुरू हो गया, हमारी जायदादें नहीं थी, अब स्कूल नहीं बनने देंगे, अच्छा सड़क नहीं आने देंगे, तुम क्या करोगे, पेशाब काम करोगे। हम बतौर कौम अपने बहुत से अहम फराइज से भी पहलू तही कर जाते हैं, कहीं आपको अपनी जिंदगी में मुआशी तंग दस्ती का सामना तो नहीं करना पड़ा? यह है कि बुजुर्गों ने वक्त गुजारा होगा मुश्किल, लेकिन हमें महसूस नहीं होने दिया और ना कभी हमें दिक्कत आई किसी काम में, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैट्रिक तक वो, यानी मुझे बर्न हॉल में दाखिला मिला, वहाँ तक मैट्रिक तक पढ़ा, और सारे अखराज जो थे ये जी एच क्यू वालों ने दिए, उसके बाद फिर सिर्फ सैयद कॉलेज में पिंडी में यहाँ से फी वगैरह की, और ये भी यहाँ तो अखराज इतने ये वजीफा वगैरह मिल जाता था, और फिर इसके अलावा यूटी लाहौर में दाखिला हो गया, तो वहाँ पे भी यानी आर्मी वालों की हेल्प थी, और उन्होंने खर्चा जो था 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भेज दिए हैं। गांव के रवाज के मुताबिक जनान खाना बिल्कुल अलग है। किस किस चीज की कमी है? एक शहीद के नाम पर कायम करदा स्कूल तो एक मिसाली स्कूल बनना चाहिए। कमी तो काफी है जी, हर चीज तकरीबन नामुकम्मल है, बिजली का बंदोबस्त है लेकिन नाकाबले इस्तेमाल, क्योंकि इसकी जो वायरिंग थी वो शॉर्ट थी, तो जब हम मीटर ऑन करते तो सारी जो करंट इसमें आ जाता, दीवारों में आ जाता, तो इन्हीं दिनों मैंने बंदा बुला के इसे ठीक कराया। ये सामने पानी का बंदोबस्त बोर है लेकिन इसमें पत्थर वगैरह डालकर उसे बंद कर दिया गया है, नलका है लेकिन वो भी ख़राब सूरत हाल में है, तो तकरीबन हर चीज़ की जो है दम दस्तयाबी है, बेशक बच्चे थोड़े हैं जो कुछ भी है, लेकिन ये बुनियाद है, अगर बुनियाद मजबूत ना होगी तो फिर आगे दीवार जब हम सही नहीं हो सकती। क्या आपको पता है कि स्कूल का नाम किस शहीद के नाम पर रखा गया है? बताएं, कौन बताएगा?